नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस ने बुधवार को करीब 6 घंटे के लिए खार्किव शहर पर हमला रोक दिया था। कुछ रिपोर्ट्स में किए गए दावों के मुताबिक भारत की पहल पर रूस ने यह कदम उठाया ताकि भारतीयों को आसानी से प्रभावित क्षेत्रों से बिना किसी खतरे के बाहर निकलने का मौका मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर भी चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव जारी है और अब तक 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आज 6ठे चरण के लिए वोटिंग हुई। अब तक प्रदेश की 57 जिलों के 292 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। बाकी के चरणों के लिए अब 3 और 7 मार्च को मतदान होना है, जबकि मतगणना 10 मार्च को होगी। 6ठे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। 6ठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान देखने को मिला। भारत और श्रीलंका के बीच शुक्रवार से 2 मैच की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। भारतीय टीम पहली बार रोहित शर्मा की अगुवाई में टेस्ट मैच खेलने उतरेगी, तो वहीं पूर्व कप्तान विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम जीत के साथ अंक तालिका में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं शीर्ष पर काबिज श्रीलंकाई टीम अपने विजय अभियान को जारी रखते हुए आगे बढ़ना चाहेगी। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 6,561 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,45,160 हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पूर्वांचल को भेदने के लिए वाराणसी पहुंच गई है। प्रियंका गांधी जी कबीर चौरा मठ में पहुंच गई है, जहां अगले 3 दिनों तक वो वहीं रहेंगी। सुबह सवेरे प्रियंका गांधी जी ने कबीरदास जी की मूल गादी में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। चर्चा है कि वाराणसी में कबीर चौरा मठ को अपना ठिकाना बनाकर प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश दिया है। संत कबीरदास के सामाजिक न्याय और समानता के संदेश से उत्तर प्रदेश का दलित और अति पिछड़ा वर्ग बहुत जुड़ाव रखता है। रूस का यूक्रेन पर हमला करना कई रूसी लोगों को परेशान कर रहा है। रूस में भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। इस बीच एक रशियन बिजनेसमैन ने पुतिन के सिर पर $1 मिलियन का इनाम रखा है। रूस के बिजनेसमैन एलेक्स कोन्याखिन ने पुतिन की हत्या कर उनके सर लाने पर इनाम की घोषणा तक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से रोमानिया सीमा के पास युद्ध से तबाह यूक्रेन में फंसे कुछ भारतीय मेडिकल छात्रों को निकालने में मदद करने के लिए कहा है। इस संबंध में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक वकील की इस दलील पर गौर किया है कि कई छात्र रोमानियाई सीमा के पास फंसे हुए हैं और सरकार रोमानिया से उड़ानें नहीं चला रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 8 दिनों से जारी युद्ध का अभी तक कोई परिणाम निकलकर नहीं सामने आया है। लगातार बातचीत का दौर भी जारी है। दुनिया के कई देश प्रतिबंध रूस पर लगा रहे हैं और ऐसे में खबर है कि रूस अब यूक्रेन के 15 शहरों पर हमला करने की तैयारी में है। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा का आज 183वां जन्मदिन है। इस मौके पर टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन और परोपकारी रतन टाटा ने समूह के संस्थापक को अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। 84 वर्षीय रतन टाटा ने कहा है कि टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी न सर्वांजी टाटा ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी प्रेरणा दी है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने शुक्रवार से बीजिंग में शुरू हो रहे शीतकालीन पैरालंपिक खेल से रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आईपीसी के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन ने आज कई कार्यकारी बैठक के बाद अपने बुधवार के फैसले में बदलाव करते हुए दोनों देश के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध की जानकारी दी। रूसी जहाज समूह को कलासागर परिचालन क्षेत्र में तैनात किया गया है, जिसमें ओडेसा क्षेत्र भी शामिल है। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। ये यूक्रेन के सशस्त्र बलों द्वारा सूचित किया गया था। सेना ने उल्लेख किया है कि ओडेसा खाड़ी के क्षेत्र में आक्रमणकारी और नौसैनिक लैंडिंग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में काला सागर तट पर सैनिकों को उतारने के लिए उनके जहाज ऊंचे समुद्र तल पर खड़े होते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 8वां दिन है। दोनों देश के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से जहां अमेरिका यूरोप समेत कई देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो जवाब में रूस ने भी प्रतिबंधों का जवाब प्रतिबंध से ही देने की ठानी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रूस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस में भेजे जाने वाले रॉकेट पर अमेरिका और ब्रिटेन के झंडों के निशान को मिटा रहा है और उसने वहां पर भारत के तिरंगे झंडे को लगा रहने दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी बस 7 दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी से फूट से बचने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले कई चुनाव में सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को सुरक्षित जगह पर ठहराने का इंतजाम कर रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ के चित्रकूट या फिर जगदलपुर में शिफ्ट कर सकती है।
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का IPO अपने अगले वित्त वर्ष 2022-23 में आ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट के चलते LIC IPO को मार्च में लाने का फैसले को टाला जा सकता है और इसे 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही नई वित्त वर्ष में लाया जा सकता है। हालांकि इस दौरान IPO के लिए रोड शो जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में जारी मतदान के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोजगार, महंगाई कम करने, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतरी, किसानों की समृद्धि के मुद्दे पर वोट करने की अपील की है। CSK को लगा दीपक पिछली बार की तरह इस बार भी इनकी टीम के लिए धमाल मचाएंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ मुश्किल दिख रहा है। खबरों की माने तो दीपक चाहर के पैर में गंभीर चोट आई है और उसे ठीक होने में कई हफ्ते लगेंगे। इसका मतलब यह है कि दीपक चाहर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कई मैचों में नहीं खेल पाएंगे। BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। इस बार के करार में सिर्फ 27 खिलाड़ियों को ही शामिल किया गया, जबकि पिछली बार इसकी संख्या 28 थी। इस बार की टॉप ग्रेड यानी A+ में पिछली बार की तरह कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रखा गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस देश लाने के लिए सरकार का अभियान जोरों पर है। इसी चरण में भारतीय वायुसेना भारतीय विमानन कंपनियों की कुल 19 फ्लाइट से 3,726 भारतीयों को वापस भारत लेकर आएगी। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण ने पेरिस में ग्रीवन संग्रहालय के निदेशक को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मोम की प्रतिमा को हटाने के लिए प्रेरित किया है। यह 24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के एक सप्ताह बाद आया। संग्रहालय के निदेशक ने कहा है कि हमने कभी ग्रीवन संग्रहालय में हिटलर जैसे तानाशाहों का प्रतिनिधित्व नहीं किया है, हम आज पुतिन का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की संग्रहालय में जगह के लिए दावेदार हो सकते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम फुमियो किशिदा के साथ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग लीडर्स की वर्चुअल बैठक में भाग लेते देखे गए। रूस पर लगाई गई पाबंदियों के चलते भारत का S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली का सौदा भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के कटासा कानून के तहत भारत को पाबंदियों से छूट देने या फिर उसे इसे लागू करने का फैसला राष्ट्रपति जो बाइडेन ही करेंगे। रूस को रेटिंग एजेंसियां फिच और मूडीज ने तगड़ा झटका दिया है। दोनों एजेंसियों ने रूस की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर जंक कर दिया है। मूडीज का कहना है कि इसके और डाउनग्रेड होने की संभावना है। रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज ने रूस को 6 पायदान नीचे जंक स्थिति में ये कहते हुए डाल दिया कि पश्चिमी प्रतिबंधों ने कर्ज चुकाने की इसकी क्षमता पर संदेह किया और ये इसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा। यूक्रेन मसले पर अमेरिका समेत नाटो देशों को परमाणु हथियारों की धमकी देने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने चेतावनी दी है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा, ये काफी विनाशकारी होगा। तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की तरफ से बिहारी DNA को लेकर दिए गए बयान पर विवाद जारी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बयान जारी कर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहारियों को पंजाब में घुसने ना देने की कांग्रेसी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की धमकी के बाद अब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के DNA को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, लेकिन लालू राबड़ी की पार्टी के राजकुमार ने इस पर गहरी चुप्पी साध ली है। अमित वाली फिटबिट ने बैटरी के गर्म होने से जलने की कई शिकायतें आने के बाद अपनी फिटबिट आइकॉनिक स्मार्ट वॉच की 10 लाख से अधिक यूनिट्स को रिकॉल कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में 27% OBC आरक्षण से मना कर दिया। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि वो महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कोई कदम ना उठाए। कोर्ट ने कहा है कि पिछड़ेपन पर यह रिपोर्ट बिना उचित अध्ययन के तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो इफेक्ट पर्यावरण पर जीरो इफेक्ट विनिर्माण पर जोर देते हुए गुरुवार को कहा कि बदलती महामारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में निर्माताओं को अनंत अवसरों का इंतजार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत को एक विनिर्माण शक्ति के रूप में देख रही है। अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक और कंपनी के साथ डील की है। इसी हफ्ते रिलायंस की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल ने लग्जरी फैशन ब्रांड अब्राहम एंड ठाकुर में निवेश करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया से जुड़ी एक खबर निकल करके सामने आई है। दरअसल इल्कर IC ने टाटा समूह की कंपनी एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रबंध निदेशक बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को पश्चिमी देश से अत्याधुनिक हथियार मिलने लगे हैं। बीते दिन जर्मनी ने अपनी बरसों पुरानी नीति बदलकर यूक्रेन को हथियार देने का ऐतिहासिक फैसला किया।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है फरहीन खातून, राजेश भाई, मोहम्मद शाहिद, नुनू कुमार, विवंश राज, ललिता सिंह, किश्ले कुमार, रघुनाथ प्रसाद, रेहान बसी, नीतीश कुमार, जितेंद्र कुमार, नवीन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।